हेलो फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2 फरवरी के जितने भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट के सवाल पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप का हम आपको तीन क्वेश्चन करवाएंगे, तीन क्वेश्चन में एक आपको जो पूछा हुआ क्वेश्चन वो देंगे, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले एग्जाम में आपका मिस नहीं हो दोस्तों, कम से कम 2 नंबर आपका यहाँ से आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा शुरू से लास्ट तक, और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस टाइप का देखेंगे फिर ये देखेंगे, तो दोनों से तीन तीन क्वेश्चन करेंगे तो मेरे हिसाब से सारा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और मैथ जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सारा क्वेश्चन भी बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, रूट अंडर है, फिर उसके अंदर क्या है, 8 है, प्लस है, फिर ये रूट अंडर है, फिर 57 है, फिर 38 है, ये सबके रूट अंडर होंगे। जब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा दोस्तों आप पीछे से सॉल्व कीजिएगा। कहाँ से करेंगे सॉल्व दोस्तों, पीछे से सॉल्व करेंगे। ये देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं रूट अंडर 169, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। 13 आके इसमें जुट जाएगा दोस्तों, इसमें आके 13 जुट जाएगा। जब ये 13 जुटेगा दोस्तों कितना हो जाएगा आपको, 121 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यहाँ पे पूरे रूट के अंदर मेरा कितना आ गया, 121 आ गया। तब 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो यहाँ तक का जो होगा दोस्तों ये आपका सॉल्व होकर कितना आ गया, 11 आ गया। तो 11 इसमें आके ऐड हो जाएगा, 11 जैसे ही ऐड होगा दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपको, 49 हो जाएगा। तो ये रूट अंडर कितना बन गया, ये 49 बन गया। अब ये बताइए कि 49 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। ये फिर यहाँ पे जो डाटा बना है ये 7 यहाँ पे आके जुट जाएगा, ये कितना हो गया दोस्तों, 64 हो गया। अब देखिए यहाँ भी 64 का वर्गमूल निकलेगा, यहाँ पे 64 भी रूट अंडर आ जाएगा, तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। टोटल मेरा डाटा लास्ट में कितना गया दोस्तों, रूट अंडर 16 हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से आपको अंत से क्या करना है कि वर्गमूल निकालते जाना है और जोड़ते जाना, फिर वर्गमूल निकालेंगे फिर जोड़ेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होगा तो वर्गमूल आसान ही होगा दोस्तों। स्क्वायर कम से कम आप 1 से 30 तक याद रखिए, यदि याद रखते हैं स्क्वायर आप 1 से 30 तक यदि याद रखते हैं दोस्तों आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, और यदि आप क्यूब 1 से 16 तक याद रखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। आप देखिए हमको बनाना है पीछे से, ये देखिए ये 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। ये 7 जो होगा इसमें जुटेगा आगे ना, ये 7 इसमें जुट जाएगा ये 29 में, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। मतलब रूट अंडर यहाँ 36 होगा, ये रूट अंडर 36 होगा, फिर 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 + 6 हो जाएगा, तो 19 + 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ये यहाँ तक 5 हो गया, तो फिर 5 इसमें आके जुट जाएगा, कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। फिर ये 4 इसमें आगे जुट जाएगा, कितना हो गया, 5 × 4 = 9 हो गया। रूट अंडर कितना हो गया, 9 हो गया। आंसर कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन आपको पूछा था आज के एग्जाम में, 2 फरवरी के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ये था दोस्तों, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको बनाना है, द क्वेश्चन वही है, डिजिट थोड़ा सा चेंज है। आप चलिए देखिए, हमको सबसे पहले कि 16 का वर्गमूल निकालना है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर लिख दीजिए आप, 12 × 4 कितना हो गया, 16 हो गया। फिर 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4 इसमें आके ऐड कर दीजिएगा, कितना हो गया, 225 हो गया। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। 15 के इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। रूट अंडर कितना हो गया, 25 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया था। और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उस पर एक स्पेशल टॉपिक बना देंगे, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक जो पूछा था, इस टाइप का पूछा था दोस्तों, इस टाइप का पूछेगा तो क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसका एक एक बेसिक तरीका है, बेसिक को ही हम सॉर्ट करेंगे। यहाँ सबसे पहले क्या किया, यदि 60 = 78 होता है, मतलब 6084 का वर्गमूल 78 होगा, तो इतना का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे 60 = 84 का वर्गमूल 78 निकाला हुआ है, चलिए इसको हम लिख सकते हैं 60 = 84। पहले हम बेसिक देख लेते हैं, फिर इसको हम शॉर्टकट कर लेंगे। ये नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 100 हो जाएगा, ये रूट अंडर पहले से है, प्लस ये कितना हो जाएगा आपको, 60 = 84 कितना हो जाएगा आपको, इतना हो जाएगा। फिर रूट अंडर कितना होगा, 60 = 84 × 2 = 2 = 4 = 2 = 6 = 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 = 6 हो गया। फिर हम यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो आपको 60 = 84 कितना हो गया, 2 = 2 = 4 = 2 = 2 = 8 = 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए इसको हम अलग करेंगे तो 60 = 84 का वर्गमूल दोस्तों कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 78 दिया हुआ, तो ऊपर हम लिख सकते हैं 78। नीचे 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 60 = 84 का वर्गमूल पहले से दिया हुआ 78, ठीक
है, नीचे आप देखिए 1 2 3 4 जितना सुनना होता है, यदि वो वर्गमूल निकालना होगा सम संख्या की गिनती में होगा तो उसको हम आधा कर देंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 84 का 78 होता है, नीचे देखिए क्या को सुना, 1 2 3 4 5 6, 6 का था कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 सुना बैठा देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ 60 84 का 78 पहले से है, कितना सुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 का था कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। अब हम दशमलव बैठा सकते हैं इसको, यदि इसको हम दशमलव बैठाएंगे तो कितना होगा 7.8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7.78 हो जाएगा। और यहाँ देखिए कितना के बाद 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव होगा, 2 अंक पहले से, 1 और चाहिए तो 0 बैठा देंगे, 3 अंक हो गया मेरा। ठीक है, सारे जगह दशमलव बैठा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद है, 7 8 2 अंक पहले से है और 2 अंक चाहिए, 0 हम बैठाएंगे यहाँ पे, 0 देंगे, हो गया आपका। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ने के लिए देखिए यहाँ 7.8 हो गया, उसके बाद दशमलव वाले संख्या को जोड़ना होगा, तो पॉइंट वाले वाले को राइट साइड वाले को राइट साइड और लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड लेंगे, ये हो गया 7.8 हो गया। उसके बाद यहाँ क्या है आपको 0.078 हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या आपको 0.0078 हो गया, इसको ऐड कर दीजिए कितना हो गया 8 हो गया, 8 7 कितना हो गया 15 हो गया, 8 7 15 116 हो गया, 8 7 15 116 हो गया, 7 1 8 हो गया, आंसर मेरा इसका कितना हो गया 8 पॉइंट, ये जोड़ने का बाद मेरा कितना हो गया 8.6658 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको हम इतना लंबा करने से कोई ज़रूरत नहीं है, हमको एक ही स्टेप में ये सारा सवाल बन जाएगा। चलिए हम उसको देखते हैं, उसी उसी मेथड से हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए उसको हम सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से, वही मेथड है, मेथड को हम शॉर्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि 60 84 का वर्गमूल कितना 78 है, सब जगह 78 होगा, दशमलव बाद में बैठाएंगे, यहाँ पे 78 होगा, यहाँ पे कितना होगा 78 होगा, इसके भी 78 हो जाएगा, इसका भी 78 होगा, हमको सिर्फ बताना है अब दशमलव। अब ध्यान देखिएगा कि आप इधर से गिने कितना के बाद आपका दशमलव है, 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो आप क्या करना है कि वर्गमूल से जब इसको हटाएंगे, हम वर्गमूल बनाएंगे तो 2 अंक है, तो यहाँ पे हम 1 अंक के बाद ले लेंगे, 1 अंक के बाद यहाँ दे देंगे प्लस, यानी कि 1 2 3 4 अंक के बाद है, 4 का आधा कितना होगा 2 होगा, 2 अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे, 1 2 यहाँ पे बैठा देंगे हम दशमलव, यानी कि कितना 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 का आधा कितना होगा दोस्तों 3 होगा, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 2, एक और डिजिट चाहिए 0 बैठाएंगे, 3 अंक हो गया, ये हो गया आपका इस वक्त इसका वर्ग। ठीक है, आप इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो हम 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 होगा, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, फिर इसको हम ऐड कर लेते हैं, बस आराम से हो जाएगा, ये 0.78 हो गया, 0.078 हो जाएगा, 0.0078 हो गया, इसको ऐड कर लीजिए, 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, 8 7 15 116 हो गया, 8 7 15 116 हो गया, 7 1 8 हो जाएगा, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए दो क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा देंगे, एक जो पूछा है क्वेश्चन दोस्तों आज मतलब 2 फरवरी का, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए 2916 का वर्गमूल कितना दिया हुआ दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा, यही क्वेश्चन आपको 2 फरवरी RRB NTPC एग्जाम में पूछा है दोस्तों, सेम यही क्वेश्चन है। हो सकता है यदि आपका ये नहीं दिया हो, मान के चलिए आपका ये नहीं दिया हो, डायरेक्ट ये दिया हो तो आप 2916 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसको देख लीजिएगा, वर्गमूल निकालने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 54 तो दिया है, यहाँ पे यदि आपको नहीं दे ये डाटा, यदि नहीं दे तब आपको इसका 2916 का वर्गमूल निकालना होगा, तो 2916 का वर्गमूल चलिए यहाँ पे 54 हम मान के चलिए दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, फिर यहाँ भी कितना होगा 54 होगा, यहाँ भी कितना होगा 54 होगा, यहाँ भी कितना होगा 54 होगा, हम दशमलव बैठाते हैं अब, क्योंकि 2916 का वर्गमूल है तो आप दशमलव वाले का भी वर्गमूल निकालना होगा ना, तो 1 2, 1 अंक के बाद होगा, 2 का आधा 1 होगा, 1 अंक के बाद बैठा दीजिए प्लस, 1 2 3 4 है तो 1 2 2 अंक के बाद हो जाएगा, तो यहाँ पे आप दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ पे 0.54 हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद है, 3 अंक के बाद होगा, 6 का आधा 3 होता है, 1 2 1 0 बैठाएंगे, 3 अंक हो गया, दशमलव हो गया प्लस, 1 2 3 4 5 6 7 8 का आधा कितना होता है 4 होता है, 1 2 3 4 हो गया, दशमलव बैठा देंगे, हो गया, बस इसको आप ऐड कर लेते हैं दोस्तों, कितना हो गया 5.4 हो गया, 0 हो गया, 5 4 हो गया, 0.54 हो जाएगा, 0.0054 हो गया, इसको ऐड कर लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 4 5 4 9 5 4 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 5 हो गया, तो आंसर मेरा इसका कितना हो गया 5.9994 मेरा आंसर हो गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये
देखिए 40 96 का वर्गमूल कितना दिया हुआ, 64 दिया हुआ है, तो 40 96 का वर्गमूल तो 64 होगा ही दोस्तों, 64 होगा, यहाँ भी 64 होगा, यहाँ भी 64 होगा और यहाँ भी 64 होगा। अब देखिए देखिए इसका आंसर आप जितना जल्द हो सके आंसर कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, जब तक हम सॉल्व करते हैं, और आप इसको सॉल्व करके जल्द से जल्द कमेंट में आंसर बताइए, जितना जल्द हो सके कमेंट में आंसर बताइए, तब तक इसको हम सॉल्व करते हैं, आप भी कॉपी पेन लेके इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको ये हो गया 6 और ये हो गया 9, मतलब एक दो अंक है, दो का आधा कितना होगा, एक होगा, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा दीजिए दोस्तों, यहाँ देखिए 1 2 3 चार का आधा कितना होता है, दो होता है, दो अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, प्लस 1 2 3 4 5 छः का आधा कितना होता है, छः का आधा होता है 3, 1 2 3 तीन यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 चार अंक के बाद होगा, 8 का आधा 4 होता है, तो 1 2 3 4 यहाँ दशमलव बैठा दीजिए। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 6.4 हो गया, 0.64 हो गया, 0.064 हो गया, 0.0064 हो गया, तो आंसर देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा इसका, ये 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो गया, 6 4 10 11 हो गया, 6 4 10 11 हो गया, 6 1 7 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया 7.1104 आंसर हो गया। आप मिला लीजिए आंसर और कमेंट में आंसर जरूर बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।